अब देख लीजिए, इस मासूम के चार ऑपरेशन हुए हैं। एक पीठ पर हुआ था, एक पेट पर हुआ था, और इसके दिमाग में स्टड होता है वो डला है। और ठीक है बच्चा, आपका खुश हो अब तो? ये वही परिवार है जिसकी हमने वीडियो डाली थी अब से महीना डेढ़ महीना पहले, और इस बच्चे को बहुत ज़्यादा तकलीफ थी। इसके कमर में एक फोड़ा टाइप का हो गया था बहुत ज़्यादा, और ये इसकी माँ है, बहुत ज़्यादा परेशान थी। अब वो वीडियो भी देखे एक बार कि किस तरह से परेशान थी। भी नहीं चलाता है फोड़े की वजह से। सर में क्या दिक्कत है? सर में पानी है इसके। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं। ना कुछ है आपके पास कि अपने बच्चों का आप प्राइवेट इलाज करा? नहीं, इतना कुछ नहीं है हमारे पास जो हम अपने बच्चे का प्राइवेट में करवा ले इलाज। प्राइवेट में कितना खर्चा बताया? सर वो तो बहुत खर्चा बता रहे, इतना है भी तो नहीं हमारे पास। कितना बताया? 2 लाख रुपए मांग रहे, 1000 रुपए डेली बेड का मांग रहे वो, और उसमें से भी कोई गारंटी नहीं ले रहे वो कि बचेगा भी नहीं भी बच सकता है। आज हम उसी परिवार में आए हैं, और आप तमाम लोगों के सहयोग से, जिला प्रशासन के सहयोग से, ये बच्चा अब पहले से काफ़ी ठीक है। आप देख सकते हैं ऑपरेशन हो गया इस बच्चे का। बहन तो डॉक्टर ने क्या बताया? अच्छा, तो कहाँ कहाँ ऑपरेशन हुआ है? अच्छा, आप देख सकते हैं ये इस छोटे से बच्चे के 3 ऑपरेशन हुए हैं, 4 ऑपरेशन हुए हैं। अब देख लीजिए, इस मासूम के 4 ऑपरेशन हुए हैं। एक पीठ पर हुआ था, एक पेट पर हुआ था, और इसके दिमाग में स्टड होता है वो डला है। और माशाल्लाह पहले से काफ़ी तंदुरुस्त है बच्चा, और खुशी की बात यह है कि आप तमाम लोगों की दुआओं से, तमाम लोगों की मदद से, और ज़िला प्रशासन की मदद से ये बच्चा स्वस्थ है। आप इनके वालिद साहब में इधर आइए, अब तो खुश है ना? अब आपका बच्चा कम से कम आपके सामने परेशान तो नहीं होता ना? नहीं, अब तो ठीक। अच्छा, तो उन तमाम लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने आपके बच्चे के लिए दुआ की, आपके बच्चे के लिए मदद की? जिन लोगों की वजह से ये सब हो पाए, उन लोगों का बहुत मेहरबानी है कि इस पर हो पाए सारा काम। क्यों रो रहे हैं? क्यों आंखों में आंसू आ रहे हैं बताइए? खुशी के आंसू है? हाँ, यूँ समझ लें। अब देख सकते हैं बाप की आंखों में आज आंसू तो हैं, लेकिन वो आंसू खुशी के हैं, क्योंकि उनका जो बच्चा है वो स्वस्थ हो चुका। आप भी ठीक हैं? आप चेहरे पर मुस्कुराहट है आपकी, आप ठीक है ना? आप किसी से कोई गिला, से कोई परेशानी? बस ये लोग मदद नहीं होती, मेरे लड़के का तो ऑपरेशन कभी होता ही नहीं, जैसे दिल्ली में डॉक्टर मना कर रहे थे, हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं थे इसको। जी जी, मेरठ में जाके इसका ऑपरेशन हो गया तो ये बच भी गया, नहीं तो बचने की कोई उम्मीद ही नहीं थी इसकी। जैसे वो पड़ा था ना, वो फटने का भी डर था, किसी दिन फट जाता वो। बहन, जिंदगी और मौत किसके हाथ में, आप ये बताइए? अल्लाह के हाथ में। अल्लाह के हाथ में है ना, तो वो जरिया बनाता है, कुछ ना कुछ जरिया बनाता है। आप परेशान थी, आपने दुआ की अपने रब से कि मेरे बच्चे की जान बच जाए, उसने हमें भेजा, जिला प्रशासन को भेजा आपकी मदद के लिए, उसकी कम से कम आपका बच्चा आज खुश है। आप खुश है ना, बस ये बता दीजिए कि हाँ मैं खुश हूँ। अच्छा, पैर में भी दिक्कत है बच्चे के? ये बेटी है बेटा है? बेटा है ये। देख सकते हैं, एक तो इतनी परेशानी, ऑपरेशन हुआ इस बच्चे का, तस्वीरों में देख सकते थे, और ऊपर से चल भी, मुझे तो पता नहीं था कि ये अपाहिज, ये बच्चा दिव्यांग है, इसको चल नहीं सकता ये। मैंने आपको बताया नहीं था, ये जब जन्म हुआ था तो भी मुझे पता था कि विकलांग है, कभी चल नहीं पाएगा। चलो आपके साथ तो रहेगा कम से कम, आपके आंखों के सामने तो रहेगा ना? हाँ, ये बस मैं तो यही चाहती हूँ, चले ना चले, ऐसे तो रह सकता है, मेरे पास तो रहेगा।
आप लोगों का बेहद शुक्रिया मैं अदा करता हूँ कि आप लोगों की मदद से इस छोटे से बच्चे अयान का इलाज हो पाया। और अफसोस तो है कि चार चार ऑपरेशन हुए, लेकिन उम्मीद है कि अब इसकी जान बच जाएगी। इसकी माँ बेहद ज़्यादा परेशान थी कि कैसे मैं अपने बच्चों का इलाज करा पाऊँ, कोई मदद नहीं मिल रही थी। अल्लाह ने कहाँ से भी मदद भेजी, हमें भेजा, और हमने ज़िला प्रशासन से संपर्क किया, वहाँ से इस बच्चे को यूपी के मेरठ में भर्ती कराया गया। उसको चार ऑपरेशन हुए हैं। चार ऑपरेशन होने के बाद में आज अल्हम्दुलिल्लाह ये बच्चा ठीक है। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम उन लोगों का जिन्होंने मदद की है इस बच्चे की। बस मैं ये चाहता हूँ कि आप भी ऐसे लोगों की मदद कीजिए, क्योंकि ऐसे लोगों की दुआ कभी खाली नहीं जाती। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।